ऑमलेट्स में वाटर प्रूफ बेस किस तरीके से बनाई जाती है, किस तरीके से उसकी मिक्सिंग की जाती है, आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। हाँ जी, तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो सबसे पहले जो स्टेप होता है वो है अपने चेहरे को प्रिपेयर करना। तो इसलिए सबसे पहले, स्पेशली सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा रफ़ हो रही होती है स्किन, तो इसलिए हम सबसे पहले मॉइस्चराइज़र यूज़ करेंगे। कोई से भी कंपनी का आप ले सकते हो, जिनकी ड्राई स्किन हो रही होती है वो तो सबसे पहले मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई किया करें। मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद हमेशा सेकेंड स्टेप होता है प्राइमर। फाउंडेशन लगाने से पहले प्राइमर लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो आपके जो ओपन पोर्स होते हैं उनको क्लोज कर देता है, इसलिए प्राइमर लगाना लाजमी होता है। एक अच्छी बेस बनाने के लिए आपको हमेशा अपने क्लाइंट को या खुद के फेस को प्रिपेयर करना होता है, ताकि वो आपकी बेस को केकी ना करे। मैं यहाँ पे दो फाउंडेशन को मिक्स कर लूंगी, क्योंकि मैं प्रिफेयर करती हूँ कि दो फाउंडेशन लाइट और डार्क शेड को मिक्स करके लगाना, एक बहुत ही अच्छा शेड बन जाता है। मैंने यहाँ पे शेड्स मेंशन कर दिए थे, क्या क्या यूज़ किया है, मैं प्रोडक्ट्स आपको ऊपर मेंशन कर रही हूँ। यहाँ पे मैं अच्छे से फाउंडेशन लगा लूंगी और इसको ब्रश से ब्लेंड करूंगी। सबसे पहले मैं इसको ब्रश ब्लेंड करूंगी, फिर मैं ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करूंगी, क्योंकि अगर आप फौरन ही ब्यूटी ब्लेंडर से यूज़ करेंगे तो वो सारी फाउंडेशन ब्यूटी ब्लेंडर के अंदर ऑब्जर्व हो जाएगी और आपके फेस पे कुछ नहीं रह जाएगा। इसे सबसे पहले यहाँ पे मैंने देखे कितने अच्छे तरीके से मैं यहाँ से ब्रश से ब्लेंड करूंगी और आप इसकी स्मूथनेस चेक करें, कितनी अच्छी तरीके से और आसानी से ब्लेंड हो जाएगी। ग्लिटर्स के ऊपर भी मैंने वीडियो बना के अपने चैनल पर पोस्ट कर दी, अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ जाएँ और देखें, और अगर आप लोग को वीडियोज़ पसंद आती है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। इसी बातों बातों में हमारी फाउंडेशन भी हो चुकी है ब्लेंड। जस्ट ब्लेंड करके कितनी सेटल बेस लग रही है। अब मैं इसको ब्यूटी ब्लेंडर से टैप कर लूँगी, क्योंकि फाउंडेशन के बाद टैपिंग इज मस्ट, मैंने पहले भी बताया, ब्यूटी ब्लेंडर हमेशा बाद में इस्तेमाल करेगा। आई होप आप लोगों को रिजल्ट बहुत अच्छे तरीके से दिख रहा होगा, डिफरेंस आप लोग खुद चेक कर सकते हैं मेरा नीचे वाला कलर और ऊपर फाउंडेशन के बाद वाला। अब मैं इसको अच्छे से वाटर से वेट कर लूँगी, ताकि पे हम इसका डिफरेंस चेक कर सकें, क्योंकि ये है वाटर प्रूफ बेस। हमेशा जब आप दोनों फाउंडेशन को मिक्स करके लगाएंगे तो वो बहुत ही एक सेटल बेस लगती है। और यहाँ पे मैं इसको टिश्यू पेपर से टैप करके देख रही हूँ, कहीं इसमें कोई फाउंडेशन वगैरह तो नहीं आ रही है, वाटर प्रूफ है या नहीं। और इसके बाद भी मेरी फाउंडेशन कितनी सेटल्ड है, और ये आप देखें बिल्कुल वाटर प्रूफ बेस बनती है ऐसे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो मेक श्योर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।